लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी शहर की मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी का कहना है कि शहर की केवल 9 मुख्य मार्ग PWD के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से सभी सड़कों का पेंच कार्य वर्क पूरा कर दिया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र और ग्रामीण मार्गों में पेंच वर्क का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि 30 नवम्बर तक यह पूरा काम कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से पूरी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिसमें दुर्घटनाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग का दावा है कि हल्द्वानी शहर में उनके अंतर्गत आने वाली सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 9 सड़कें हैं मुख्य रूप से, जिनमें आवागमन काफ़ी रहता है, जिसमें रामपुर रोड हो गई। रामपुर रोड में भी ट्रांसपोर्ट नगर के चौराहे से सिर्फ सिंधी चौक तक हमारे पास है, बाकी बिल्कुल का पार्ट है। इसी तरह से कालाडोंगी रोड है, नैनीताल रोड है, परीपुर लुशानी वाली सेंट्रल हॉस्पिटल वाली रोड है, पीलीकुठी धान मिल रोड है, ITI क्रॉसिंग से लेकर के मुखानी जो कॉलटैक्स तक जाती है वो सड़क हमारे पास है। इन सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है 30 सितंबर तक, और RTO रोड भी हमने पैच वर्क उसमें कर लिया है, और संभवतः 1-2 दिन में हम लोग उसमें नवीनीकरण का काम